पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी हमारी चीखों का जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। और यहां पर मणिपुर को लेकर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस बीच कई बड़े हंगामे देखने को मिले, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद किया गया, जिसके बाद वो भड़क गए। और देखा गया कि संजय सिंह जब मणिपुर पर जवाब मांग रहे थे तो उनको यहां से निलंबित कर दिया गया, और जिसके बाद वो विरोध प्रदर्शन पर उतर गए और उनका साथ देने इंडिया अलायंस के कई सारे सांसद और नेता वहां पर मौजूद रहे। गांधी प्रतिमा के सामने सभी ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध जताया, यहां पर उस चीज का विरोध जताया कि किस तरीके से संजय सिंह को जो है निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। अब संजय सिंह अपनी आवाज जो है संसद में जाकर नहीं उठा सकते, लेकिन लगातार उनकी तरफ से कई वीडियो ऐसे जारी हुए हैं जिसमें वो इस चीज को बिल्कुल गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मणिपुर पर जवाब ना देना पड़े, इसीलिए मेरे खिलाफ यहां पर शिकायत की गई और मुझको संसद भवन से बाहर किया गया, संसद सत्र से जो है बाहर किया गया। और उसके बाद देखा गया कि इंडिया अलायंस के 21 सांसद मणिपुर होकर आए और मणिपुर की पूरी रिपोर्ट यहां पर दी। और अब उसके बाद देखा जा सकता है कि हंगामा होने के और भी ज्यादा आसार हैं, क्योंकि यहां पर मुआयना पूरी तरीके से इंडिया जो अलायंस है वो करके आ चुका है, उनके नेता मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका पूरा मुआयना करके आ चुके हैं, और अब कई सबूत उनके हाथ यहां पर लगे हैं जिनको वो दिखाकर कहीं ना कहीं संसद में मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच 8 से 10 अगस्त के बीच अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था, उसको मंजूरी दे दी गई थी, और अब 8 से 10 अगस्त के बीच इसके ऊपर चर्चा हो सकती है और इस पर प्रधानमंत्री अपना बयान दे सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो जो मंत्रिमंडल होता है उसको वहां पर जवाब देना होता है और यहां पर प्रधानमंत्री इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं। तो साथ ही साथ यहां पर मणिपुर के ऊपर जो है सभी इंडिया विपक्ष के जो हैं वो जवाब मांग रहे हैं कि मणिपुर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें और उसके बाद बाकी में संसद की कोई भी चर्चा होगी। जहां पे मोदी सरकार का प्लान था कि पहले यूसीसी पर बात की जाए और इसी मौसम सत्र में यूसीसी पास करा दिया जाए, लेकिन यहां पर विपक्ष ने पूरा प्लान ही उनका उलट के रख दिया और यहां पर मणिपुर का मुद्दा ऐसे लाए कि पूरी बीजेपी सरकार उसमें फंसती हुई नजर आई, कोई भी सांसद कोई भी मंत्री यहां पर मणिपुर पर बोलने से बच रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मणिपुर पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष यहां पर हंगामा कर रहा है। लेकिन विपक्ष की एक यही मांग है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसमें जवाब दें, और हो सकता है कि 10 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पे लोगों को बताएंगे कि मणिपुर की हालत किस तरीके से है, क्योंकि जब से वो वायरल वीडियो सामने आए हैं तभी से जनता में गुस्सा है और जनता भी यही चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दें और जाके मणिपुर की हालात देखें। आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी, कायर हैं। और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर। गए मणिपुर के राहत कैंपों में, मिले वहां पर बेटियों से, देखे उनके जख्मों को, लगाया उन पे उन्होंने मलहम, और राजनीति नहीं कही। वहां की महिला राज्यपाल को श्री राहुल गांधी मिलते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर की धरती पर। मणिपुर की महिला राज्यपाल सामने आई और आते ही कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा। एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी तो समाज से आती है, समय मांग रही हूं। मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं, ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है, पर न्याय नहीं है। सोचिए, आपसे कहूंगी, ये आधी आबादी की लड़ाई है, यहां
यहाँ जो बैठे हुए हैं, इन्हें भी समझना होगा, ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी हर माँ बहन बेटी को, जिसे आप भी चाहते हैं हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए। मैं पूछना चाहूंगी यहां जो बैठे हैं, आप में से कितने की बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें जिनके घर में बेटियां हैं। अब पूछना चाहूंगी, ये जो हाथ खड़े हुए हैं, ये आपकी बेटियों की लड़ाई है या नहीं? ये अकेली लड़ेंगी या आप साथ देंगे? आप सुरक्षा कवच बनेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनने की दुहाई दे रहा है हमें, कोई फूलन देवी के वीडियो डाल रहा था। क्या चाहते हो आप हमसे? ये छोटी सी पुस्तिका, अगर मेरा पर्स देखेंगे, मैं महिलाओं को कहूंगी, आपको भी कहूंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बहन हाथ में राखी बांधेगी आपके, क्या देंगे तोहफे में? क्या देंगे तोहफे में? वो आपसे चंद रुपए नहीं चाहती है, वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है। वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाएं जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है। मैं हर भाई से उम्मीद करती हूं अगले महीने राखी है। मेरा पर्स देखिएगा, महिला हूं, सशक्त हूं, डरती नहीं हूं, लेकिन अपने पर्स में हथियार लेकर चलती हूं। ये मेरा अधिकार है। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने होंगे। हम किसी पर हमला करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे, हम कोई हिंसा के लिए हथियार नहीं उठा रहे, लेकिन रक्षक भक्षक बनेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। ये छोटी सी पुस्तिका 10 साल पहले, इस तस्वीर के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाइएगा, ये जब निर्भया हुआ था केंद्र में कांग्रेस की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से आज मणिपुर में हो रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे, वो सोनिया गांधी जी के साथ पीड़ित परिवार को मिले, उस बेटी को मिले, विदेश में उसे अच्छा इलाज दिलाया, उसे न्याय दिलाया, अपराधियों को फांसी के तख्तों पर झुलाया। ये 10 पन्नों की छोटी सी पुस्तिका है। मैं युवा कांग्रेस के अपने भाई श्रीनिवास और कृष्णा जी से कहना चाहूंगी, इसमें हम बहन बेटियों के कानूनी, सामाजिक, संवैधानिक हक और अधिकार क्या है। ये छोटी सी पुस्तिका मैं अपने पर्स में लेकर रखती हूं, मैं इसे आगे बांटने का काम करती हूं, क्योंकि हमें जब हमारे कानूनी संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती, तब हमारे साथ ऐसा होता है। मैं आप सभी से कहूंगी, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, गीत मैंने चलाया था, कारण यही था कि कोमल है तू, कोमल है, कमजोर नहीं तू। मैं यहां पर फिर उंगली करके इशारा करके कहना चाहती हूं, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटियां देखने में कोमल जरूर हैं, पर उनकी गलतफहमी दूर आपको करनी है, जो इनकी कोमलता को इनकी कमजोरी समझ बैठने की गलती कर देते हैं। क्या आपको लग रहा है, हर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को लग रहा है कि भाई हमारे देश में लोगों को चोट लग रही है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए, अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे, मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है, एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है,
जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।